नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। यूपी के बलिया जनपद के रसा लखनेश्वर देव मंदिर पर सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन देवों के देव महादेव के मंदिरों पर पूजा अर्चना व बाबा को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। इसी क्रम में त्रेता युग में लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित बलिया जनपद के रसा तहसील क्षेत्र में ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल लखनेश्वर डी इला स्थित बाबा लखनेश्वर महादेव मंदिर पर सोमवार को अर्ध रात्रि से ही श्रद्धालु महिला पुरुष युवतियों युवाओं के भीड़ का जन सैलाब उमड़ा रहा, जिससे पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के अनुगूंज व भक्ति भावना से सराबोर रहा। श्रद्धालु जन तमसा नदी में स्नान ध्यान के बाद मंदिर पहुंचकर पंक्तिबद्ध हो भूगर्भ में स्थित बाबा को जलाभिषेक किया। सुरक्षा के मद्देनजर बाबा लखनेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर चारों तरफ भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस कर्मी तैनात रहे। मुख्य द्वार पर दक्षिणी चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह, रामबली, कैलाश यादव, दिनेश शर्मा, बचाव यादव लगे रहे। वहीं महिला कांस्टेबल खुशबू व सुषमा लगी रही, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में दुर्व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा, जिसे श्रद्धालुओं में खुशी देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर SDM BK जैन व प्रभारी निरीक्षक सौरभ कुमार राय दिन भर चक्रमण करते रहे। समाचार चैट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। क्या सैलाब उमड़ा है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस समय हम लोग त्रेता युग में स्थापित प्रभु श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित ये मंदिर है और उन्हीं के नामकरण पे इस मंदिर का नाम लखनेश्वर डी पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जब साधु संन्यासियों को परेशानी हो रही थी राक्षस जातियों से, तो तारका नामक असुर का वध करने के लिए यहाँ से उन्होंने अयोध्या से उन्होंने इसी टोंस नदी के होते हुए सरयू नदी के होते हुए बक्सर पे तारका को वध करने के लिए निकले थे। रात्रि विश्राम यहीं पे उन्होंने किया था और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था और विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम ने उनकी पूजा अर्चना की थी। और तब से ये ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम का दर्शन और लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित लखनेश्वर डी आज भी जो है त्रेता युग से लगातार पूजनीय बना हुआ है और जन सैलाब। सर, आज अंतिम सोमवारी है और ऐसे में जो है आस्था के महासैलाब में जो है यहाँ पे मंदिर पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ऐसे में जो है यहाँ पे जो है सुबह से ही जो है महिलाओं का जत्था देखने को मिल रहा है सर, तो ऐसे में आज जहाँ एक तरफ बकरीद है दूसरी तरफ जो है अंतिम सोमवारी, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, ये दोनों ही त्योहारों की मैं बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद सभी को देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और हमारी फोर्स ने और पुलिस बल ने इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया से व्यवस्था की। सारी मस्जिदों में अब जो नमाज है वो संपन्न हो चुकी है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी चाक चौबंद है जैसा कि आप देख रहे हैं और जो महिलाओं का जिस सुबह ज़्यादा भीड़ थी उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित किया गया। अभी भी हमारे यहाँ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और जब सारे लोग क्लियर हो जाएंगे, सारे लोग अपनी आस्था के हिसाब से दर्शन और पूजन कर लेंगे, तब तक हम चाक चौबंद रहेंगे। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।